के सर्वे सर्वा और हमारे पिता तुल्य प्रकाश मनोरे जी ने जो यहाँ पर एक बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, मुंबई यूनिवर्सिटी में एक लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे ट्राइबल एरिया से आए हुए हैं और उन बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पर नॉलेज देना, यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और मुझे प्रकाश जी ने यहाँ पर बुलाया। निश्चित तौर पर मैं अपने आप को अभिमानास्पद महसूस करता हूँ। प्रकाश जी के साथ हम सभी लोग हैं, मेरे साथ जुड़े हुए महाराष्ट्र के और देश के विभिन्न जिलों में हाथ पर काम करने वाले जो कामगार हैं, ऐसे लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों की तरफ से मैं प्रकाश जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर उनका जो कार्य है वो बिरला कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। समाज को हमारा कुछ देना लगता है ये भाव से जो ये कार्य ये कर रहे हैं। मेरे आदरणीय बड़े भाई रामपाल जी जो अनेक वर्षों से प्रकाश जी के साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर रामपाल जी, प्रकाश जी और हम सभी लोग एक फैमिली है, एक फैमिली के रूप में यहाँ पर प्रकाश जी के साथ में पूरे ताकत के साथ में हम जुड़े हैं। जहाँ पर प्रकाश जी बोलेंगे वहाँ पर हम तन मन धन से उनके साथ में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। ओके सर, किस तरह का अनुभव रहा 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम? देखिए, हम हमेशा अवार्ड शो में तो जाते ही है, मगर ये जो आदिवासी मूल निवासी का जो प्रोग्राम होता है ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरी लाइफ के अंदर। मैं इसके लिए सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूँगा प्रकाश जी का, हमारे राम जी का, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिली। और इससे बढ़िया अवार्ड शो, अवार्ड फंक्शन या इस तरह से कोई फंक्शन मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। ये एक्चुअल मूल निवासी का, हमारे भारतीय संस्कृति का ये प्रोग्राम है और इसको नेहरू युवा केंद्र ने जिस तरह से, भारत सरकार इसको हर समय अपग्रेड करते रहते हैं, हर समय आगे लाते रहते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही इनका धन्यवाद करूंगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 15वां मूल निवासी आदिवासी आदान प्रदान का जो ये माहौल बना हुआ है, बेसिकली आप देखिए तो भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है यह मूल निवासी जनजाति जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। आज अपन बात करते हैं मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न मेडिसिन की, पर अगर आप देखें तो इन आदिवासी जातियों में मेडिसिन जो कहते हैं, आयुर्वेदा जो कहते हैं, वो वहीं से निकला हुआ है। और आज आप अनेकता में एकता की बात करते हैं तो आप यहाँ देखिए, मैंने परफॉर्मेंसेस देखे, कोई छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, कोई आंध्र प्रदेश से आया हुआ है, कोई तेलंगाना से आया हुआ है, उनके आप डांस देख लो, सारा कुछ जो है वो अनेकता में एकता ही है। पर सबका कहना और सबका अभिवादन एक ही तरीका है, वो सारे एक ही कहते हैं जोहार। तो जोहार एक कॉमन अभिवादन इन सभी में है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। राम भैया और नेहरू युवा केंद्र का मैं बहुत आभारी हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम भारत में लेके बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र और राम कुमार पाल सर, जिसकी वजह से ये हो पाया है। और जो मैं प्ले करता हूँ उसका नाम है जय श्री राम रामायण, इसमें मुझे हिस्सा बनाया था पुनीत इसर सर ने, तो मैं बहुत अच्छा रहा मेरा अनुभव, मुझे अवार्ड दिया गया मेरे कला के लिए और कलाकार के लिए, इससे बड़ी चीज़ कुछ होती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं राम सर का थैंक्स कहना चाहूँगा कि हम सब आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाने के लिए, और ये नेहरू युवा केंद्र संगठन मुंबई, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें, हम सब आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाया, थैंक यू। ये 15वां आदिवासी आदान प्रदान सम्मेलन, इतना बेहतरीन प्रोग्राम, मैंने आज तक एक ही छत के नीचे इतनी सारी स्टेट्स की कलाएं मैंने कभी नहीं देखी। ये देखने का सौभाग्य आज मुझे राम कुमार पाल जी के थ्रू मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आगे अगर ऐसे प्रोग्राम्स हों तो राम सर मुझे ज़रूर बुलाएं। मुझे यहाँ पर आकर इतना आनंद आया कि ये बच्चे जो पहली बार, जिन्होंने ट्रेन का सफ़र किया, पहली बार उन्होंने मुंबई नगरी को देखा, पहली बार उनको मंच पर चढ़ने का मौका मिला,
तो मैं इससे बड़ा एज ए कलाकार मैं ये इस बात की अनुभूति कर सकता हूँ कि उन बच्चों के मन में कितनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होंगी, वो कितना खुश महसूस कर रहे होंगे अपने घर से किसी काम के लिए दूर जाना। तो एक मन की जो वो खुशी होती है ना कि हम मुंबई जा रहे हैं और किसी काम के लिए जा रहे हैं, हम अपने स्टेट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो अनुभव बहुत बड़ा होता है और उस अनुभव को कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती। ये जो इनाम होते हैं ये सिर्फ उनको प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं और वो उस इनाम की राशि के लिए कभी कोई आर्टिस्ट इतनी दूर नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए आता है कि उनकी कला को आप पूरे देश में, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार होता है, भारत सरकार इसके पीछे है, गृह मंत्रालय इसके पीछे है, भाजपा सरकार इसके पीछे है। तो ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, मैं मानता हूँ ऐसे प्रोग्राम भर भर के होने चाहिए और देश में इतनी कला है जिस कला को खोद खोद कर बाहर निकाला जाए और प्रचार प्रसार जम कर किया जाए। और मैं अगर मेरा कुछ योगदान उसमें चाहिए हो तो मैं ज़रूर करूँगा। क्या बात है, ये बच्चे जो आए हैं जी, ये मार और खाते खाते यहाँ का भोजन देखने के बाद ही हमारे लिए स्वप्न है। बिल्कुल, जिनको जो पीले कलर का सीना होता है जी, वो भी आश्चर्यजनक लगता है। ऐसी बात है, और टोटल लैंडस्लाइड क्षेत्र से आए, बिल्कुल आपको जाना, बिल्कुल बिल्कुल, देश पांचवे नंबर पे फिर जी जी, फिर भी ये हमारे पास सुविधा। मैंने नक्सलों के जंगल पर न फंसे जी, इसके लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय प्रयास करता है जी, उसके आप लोग सहयोगी बड़े कार्य। बहुत 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 जनता को देखिए, दिख रहा है उनके चेहरों पर कला को प्रदर्शित करने की जो खुशी होती है बच्चों में, वो बिल्कुल उनके चेहरे पे खास दिख रहा है। ये जो धनराशि मिलती है उसकी बात नहीं है, ये एक कलाकार के अंदर की जो कला छुपा रहता है उसको दिखाने की खुशी। आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करने वाले बच्चे, झारखंड, मैंने बच्चों से बात की, झारखंड से आए हैं बच्चे, तेलंगाना स्टेट से आए हैं बच्चे, विशाखापट्टनम से आए हैं, सब लोग इतने खुश थे कि उनकी खुशी का एक उतने की खुशी की सीमा नहीं थी। और अगर हम बच्चों को कला से जोड़ें तो बच्चे कभी भी उन नक्सलाइट क्षेत्र में किसी भी नक्सलाइट्स के हाथ ना फंसें। तो ये जो उनको उस चंगुल से बाहर निकालने का एक बहुत ही सुनहरा रास्ता है जो भारत सरकार ने आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू दिया है। मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम भारत सरकार, गृह मंत्रालय ये हमेशा करते रहें और हमें बहुत आनंद और सुख की प्राप्ति हुई। मैं तरुण दत्ता आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर अनुभव रहा, क्योंकि हमने झारखंड के बहुत सारे आदिवासी का नृत्य देखा एंड नृत्य से हम बहुत सारे कनेक्टेड हैं। सो बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच कि गवर्नमेंट ने हमें इतना सम्मानित किया। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फोक डांस देखने को मिला, बहुत ही शानदार, अलग अलग प्रस्तुति थी। तो नेहरू युवा संगठन बहुत ही अच्छा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला, तो शुक्रिया आप लोगों का। और ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें अभी हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारे देश जो है वो ऐसा, पूरा दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता इतनी रिच हो। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत और भी बड़े स्तर पर हमें होने चाहिए, जिससे हम जो लोग हैं उस संस्कृति को और ज़्यादा संयोज कर सकें और उसको और आगे बढ़ा सकें। तो ये इस तरह का जो 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है, ये इसके आयोजकों के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत बहुत आभार।